साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम आए हैं आपका हल्द्वानी शहर के अंदर, एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी में आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। तो जिस किसी व्यूवर को जानना है कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी रही बात इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन है आपकी RTO ऑफिस कुसुमखेड़ा पे। और आज मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारा डुप्लेक्स, बहुत ही प्यारा मकान। इस मकान को देख के आपका मन करेगा इसको आज ही अभी और अभी ले लूँ। और जिस प्रॉपर्टी में आपसे बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ऊपर बैल्कनी का एरिया और नीचे इसकी एंट्रेंस। चलिए एंटर करते हैं इसके अंदर। फ्रंट में एंटर करते ही आपको यहाँ से देखेंगे इसमें SSK इसमें गेट लगे हुए हैं स्टील के। ये आपकी इसमें कार पार्किंग है, एक हैचबैक के लिए काफ़ी अच्छी कार पार्किंग है यहाँ पर। और कार पार्किंग के साथ में आप यहाँ देखेंगे तो इधर पे एक एंट्रेंस है आपकी, ये आपकी गेस्ट रूम की भी एंट्रेंस है। और आप चाहो तो इसको आपका टू व्हीलर की इसमें पार्किंग बन जाएगी। और इसी के साथ में आप इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज भी हो गया, आपकी कार पार्किंग भी हो गई और इधर पर आपकी गेस्ट रूम की एंट्रेंस भी हो गई है। चलिए अब एंटर करते हैं इसके अंदर वाले पोर्शन में। बट आपको दिखाना चाहूँगा बाहर से कि सीढ़ी में इसमें आपका पूरा स्टोन यूज़ करा गया है, रेलिंग में आपका SS लगाया हुआ है। SS का मतलब होता है आपका स्टेनलेस स्टील। और जो इसका लेंटर वाला एरिया है यहाँ पर यूज़ करी है आपकी फॉल सीलिंग, तो PVC की फॉल सीलिंग है, रेलिंग में आपका SS है। चलिए अब अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही हम आप देखते हैं आपका यहाँ पर, तो ये है आपका मॉड्यूलर किचन। बड़ा ही प्यारा मॉड्यूलर किचन यहाँ पर बनाया हुआ है ओनर के द्वारा। आप अगर इसको अच्छे से देख पाएंगे तो ऊपर आपकी यहाँ पर ग्रास की थीम दी हुई है पूरी, और इसी के साथ साथ फॉल सीलिंग दी हुई है ऊपर, PVC की फॉल सीलिंग है यहाँ पर। ये देखिए इसमें जो थीम है आपकी, बड़ी प्यारी थीम दी हुई इसमें, ये फॉल सीलिंग है, PVC की फॉल सीलिंग के साथ साथ ही इसमें ग्रास रूट की इसमें थीम दी हुई है। और ओनर के एंड से, या यूँ कहूँ तो बिल्डर के एंड से, यहाँ पर आपको एलिका कंपनी की चिमनी दी जाएगी। साथ ही इसमें यहाँ पर आपका मिक्सचर लगा हुआ है, वाटर मिक्सचर है आपका, इसमें ट्रेज हैं, यहाँ पर आपका RO का ऑप्शन दिया हुआ है इधर पे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन में दो पॉइंट में, एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए इसमें इसके कैबिनेट देखिए कितने प्यारे प्यारे कैबिनेट हैं इसके, एक कैबिनेट है यहाँ पर इसके। और इसी के साथ साथ ये देखिए सारे कैबिनेट हैं इसमें यहाँ पर, है ना। और ये देखिए इसके जो इन्होंने यूज़ करा है ना यहाँ पर, ये टाइल, एक्चुअल में ये टाइल को इतने प्यार से यूज़ करा हुआ है कि फील लग रहा है कि जैसे ये कोई आपका ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हो। तो यहाँ पत्थर है, फ्लोर में पत्थर है, नीचे से पत्थर है, और यहाँ पर आपका इसमें टाइल दिया हुआ है। प्लस अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके मेन ड्राइंग रूम में। तो ये रहा इसका ड्राइंग रूम, ये देखिए। ये ड्राइंग रूम में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर आप देखिए इतना प्यारा वुडन वर्क उन्होंने यूज़ करा हुआ है। तो ओनर के एंड से या बिल्डर के एंड से यहाँ पर वुडन वर्क का भी इस्तेमाल करा गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जिस बैठक में आएगा तो बैठने में उसे फील हो या उसे मतलब लग्जरी का एहसास हो। ये देखिए ऊपर PVC की फॉल सीलिंग का पूरा काम करके दिया गया है ओनर के द्वारा, हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था करके दी हुई है। ये देखिए पंखा वंखा सब कुछ भाई, मतलब सब कुछ बन के मिल रहा है, बना बनाया, खाली आपको रेडी टू मूव होना है, बस हो गया। ये सोफे भी मिलेंगे आपको इसमें। और अब देखते हैं यहाँ से, ये देखिए जो नक्काशी करेगी ना, मतलब पूरा पूरा मतलब जो फिनिशिंग दी गई है, मतलब इंटीरियर को भी, मतलब ना जो डिज़ाइनिंग का कहते हैं एक वर्क जो होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का वर्क जो होता है वही पूरा बना के दिया हुआ है। ये देखिए फ्लोर में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हमने आपको दिखाया होगा कि फ्लोर में जो टाइल होती है ना वो सिर्फ आपकी 2x2 की होती है, बट यहाँ पर आप देखिए तो इस ये जो यहाँ की जो इसकी स्टार्टिंग एज है ना, इस एज से लेकर यहाँ तक, इस एज तक का ये पूरा एक पीस है। और यहाँ देखिए इसको, यहाँ से ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ही पीस है। तो ये आपकी जो टाइल है ना अप्रोक्सीमेटली 2x6 या 2x4 की होने वाली है। और ये इसका डोर है, ऊपर आपका एयर वेंटिल लाइट एंट्रेंस के लिए हो गया, और अगल बगल में लाइट एंट्रेंस, और बीच में आपका मेन डोर। तो ये आपका गेस्ट रूम का डोर 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 हो गया।
तो अब चलते हैं यहाँ से बेडरूम की तरफ। ये आपका सिटिंग वाला एरिया, देखिए ये सिटिंग वाला एरिया हो गया। इस तरफ आपकी मॉड्यूलर किचन और इस तरफ आपका सिटिंग और डाइनिंग एरिया। ये आपका ड्राइंग एरिया और ड्राइंग एरिया के साथ में अब हम चलते हैं आपका, अच्छा यहाँ पर ये भी तो है, देखिए ये रहा आपका पाउडर बाथरूम। पाउडर बाथरूम कह लीजिए या इसको कह लीजिए आपका कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है ओनर के एंड से यहाँ पर वॉश बेसिन, साथ में आपका यहाँ पर टॉवल होल्डर, ऊपर आपका गीजर का पॉइंट, यहाँ पर आपका ओवरहेड शावर, यहाँ पर आपका मिक्सचर, यहाँ पर आपका साबुनदानी, यह आपका हेल्थ फॉसेट और ये आपकी वन पीस शीट। वन पीस शीट है और साथ में देखिए यहाँ पर ना एक ट्रे भी दी गई है बिल्डर के द्वारा। ये कॉमनली बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं देते हैं यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड करी है। बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं। ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी पूरा फॉल सीलिंग करके दिया हुआ है, मतलब फॉल सीलिंग प्लस लाइट, ऐसा कॉमन बहुत कम देखा गया है। देखिए यहाँ पर होल्डर तो दिया है लाइट का, बट साथ में ही इसमें आपकी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के साथ में लाइट भी है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉश बेसिन है, ये आपका वॉश बेसिन का स्पाउट है। इसी के साथ में आप नीचे देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट दिया हुआ है आपका ठंडे पानी का और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है गर्म पानी का, यानी कि इस एक सिंगल नल में आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको लाल रंग का, इसका मतलब होता है गर्म पानी, और ये दिख रहा है आपको, ये है आपका ठंडा पानी, और अगर मिक्स चाहिए तो आप इसको ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर मिक्स पानी देगा। तो ये फैसिलिटी आपको बिल्डर के द्वारा दी जा रही है, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी आपका गर्म पानी, ठंडा पानी और फिर मिक्स पानी। तो चलिए ये वही आपकी भी पाउडर बाथरूम की बात, हम करते हैं आपके बेडरूम की बात। तो बेडरूम में एंटर करते ही हम देखते हैं थोड़ा अंधेरा यहाँ पर दिख रहा है हमको, बट लाइट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ओरेवा की यहाँ पे फिटिंग दी हुई है, ओरेवा कंपनी की, ये अच्छी बात है, ओरेवा कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो इसकी फिटिंग उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। और इसी के साथ साथ ही जो रूम है, रूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और चौड़ा है, खुला खुला है। देखिए मैं इस पूरे रूम में चल के दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए इसमें जो फ्लोर की टाइलिंग जो हुई है ये आपकी मान के चलिए ये होगी 1, 2, 2.5 बाई 6 या 3 बाई 6 समथिंग तो होगी होगी, मतलब जो डिज़ाइन है टाइल का वही इतना बड़ा कर दिया कि मतलब देख के मज़ा आ गया। अमूमन क्या होता है कि सिर्फ 2 बाई 2 की टाइल यहाँ पर दी जाती है, बट यहाँ पर आपकी 2 बाई 4 की या फिर 3 बाई 6 की टाइल दी हुई है। और ये देखिए जो डोर का जो डिज़ाइन है ना, कितना प्यारा डिज़ाइन है, देखिए आप ये डिज़ाइन बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब देख के ही मज़ा आ गया। और ये देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की जो फिटिंग्स दी हुई यहाँ पर, ये इधर पे अवेलेबल हैं। इसी के साथ में नीचे भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ताकि इसमें आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बारीकियों में और बहुत ही कॉमन कॉमन चीज़ों में यहाँ पर मतलब ध्यान दिया गया है, और लाइट एंट्रेंस के लिए यहाँ पर एक आपको रोशनदान दिया हुआ है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर फॉल सीलिंग करके दी हुई है, जिसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था है ना बहुत प्यारी है, मतलब एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है और चौथी यहाँ पर है। तो 4 लाइटिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पीवीसी की फॉल सीलिंग दी गई है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है ताकि आप अपना यहाँ पर कोई भी आइटम जैसे आपका टीवी है या कुछ और कोई भी चीज़ें इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, इधर पे देखिए इधर पे आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक आपको इसमें स्विच दिया हुआ है। इसी के साथ में हम बात करते हैं आपका वॉशरूम की, जो कि इसमें अटैच वॉशरूम है, तो आइए आपको वहाँ ले चलता हूँ। जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं तो इसकी फ्लोरिंग भी देखिए, बाथरूम में भी यार मानना पड़ेगा, मतलब ना बाथरूम में भी इतनी बड़ी बड़ी टाइलें दी हुई हैं, मज़ा आ गया। देखिए देखिए इधर पे देखिए 2 बाई अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4 की तो टाइल दे रखी है, मतलब बिल्डर ने ना भाई साहब खुल दिल खोल के पैसा लगाया है यहाँ पर। और ये इसका वॉश बेसिन है, इसका वॉश बेसिन का एरिया हो गया, सेम वही चीज़ है, गर्म पानी और फिर यहाँ पर आपका ठंडा पानी। तो गर्म पानी, ठंडा पानी और मिक्स पानी का पूरा ऑप्शन दिया गया है बिल्डर के द्वारा। यहाँ पर आपका टॉवल होल्डर आ गया है, और इसी के साथ साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी शावर की। तो ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर शावर यहाँ पर आके दिया हुआ है। इस शावर के नीचे अगर आप कोई व्यक्ति नहाएगा तो सारे दिन भर की ना थकान उड़ जाएगी। और ये देखिए जो टाइलिंग वर्क यहाँ पर करके दिया है ना, जिसमें मतलब जो टाइलिंग का कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत प्यारा है। देखिए ये टाइलिंग का कॉम्बिनेशन है, इसमें ऊपर आपकी डार्क है, बीच में वाइट है, और फिर नीचे आपका दोबारा से इसमें डिज़ाइन है, और फिर लास्ट में आपका व्हाइटिश है, ये रहा देखिए। तो ये आपके कलर कॉम्बिनेशन हो गए हैं वॉल टाइल की। और ऊपर अगर आप बात करते हो तो ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपका
पीवीसी की फॉल्सनिंग करके दी हुई है। इसमें भी एक दो और एक ये तीन तीन लाइटों का कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। और यहाँ है आपकी गीजर की फिटिंग, ऊपर उसका स्विच है, और यहाँ आपका टावर होल्डर, ये आपका आपका मिक्सचर, ये आपकी यहाँ पर इंडियन शीट। इस इंडियन शीट को वैसे उड़ीसा पैन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें स्पॉट दिया गया है, यहाँ पर आपका इसमें इंडियन शीट दी गई है, और यहाँ पर इसका आपका सिस्टर है। तो देखिए कितना बड़ा है, मतलब ये कि मतलब ये जो बाथरूम है ना, बहुत ही बड़ा बाथरूम है। देखिए कितना चौड़ा बाथरूम है यहाँ पर, ये इतना ज़्यादा स्पेस है इसमें। मतलब इसमें मैं आराम से चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है चलने में यहाँ पर, क्योंकि लंबा है, खुला है, चौड़ा भी है ना। तो ये है आपका अटैच बाथरूम, इसमें आपको मिरर भी मिलेगा ओनर के एंड से। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं कि अगले बेडरूम में क्या रखा है हमारे लिए कुछ खास। तो यहाँ की हमने बात कर ली है, फ्लोर की जो टाइल है कहीं ना कहीं आपकी 2.5x6 या फिर आपका 3x8 होंगी, और ऊपर आपने फॉल सीलिंग देखी ली है। यहाँ पर वॉल आपकी बड़ी प्यारी है, सिंपल है, सादी है। दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इसमें दरवाज़ा भी कितना बड़ा है और चौड़ा है, देखिए। ठीक, अब हम चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम की तरफ, जो कि है ये सेम। इसमें जो पैटर्न है आपके दरवाजे का, वो भी सेम है, साइज़ भी सेम है। चलिए देखते हैं अंदर क्या खास है। अरे वाह यार, यहाँ तो फ्लोर में मतलब दिल खोल के, मतलब बिल्डर ने ना मतलब दिल खोल के पैसा लगाया है। आप इसकी फ्लोरिंग की टाइल देखिए, कितनी बड़ी बड़ी टाइलें हैं। कॉमनली हर जगह हमने देखी है 2x2 की टाइल, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 3x6 या 2.5x6 की टाइल है। और यहाँ पर इन्होंने कर्टन भी यूज़ करी हुई है पूरी फिनिशिंग के तौर पर। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आपकी पूरी पीवीसी की है, पीवीसी की फॉल सीलिंग है। पीवीसी की फॉल सीलिंग के साथ साथ ही यहाँ पर स्विच बोर्ड का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है। और यहाँ अभी शायद कुछ काम चल रहा है, नहीं फिनिश हो चुका है, बाहर का सामान है। ये आपको एक अलमीरा दी हुई है, कॉमनली हर रूम में मिलती है, तो ये भी अलमीरा का है। 1, 2, 3 और उसके ऊपर फिर आपका 4। तो 4 का ये कॉम्बिनेशन है इधर पे, तो 4 का कॉम्बिनेशन और यहाँ पर अलमीरा है। साथ में इसमें बड़ी खिड़कियाँ दी गई हैं, प्रॉपर लाइट की एंट्रेंस भी है, और आपका एयर वेंटिलेशन भी इसमें होने वाला है। तो अंदर की तरफ इसमें जाली की खिड़की दी हुई है, और बाहर की तरफ इसमें कांच वाली खिड़की दी गई है, बड़ी खिड़की है। देखिए कॉमनली क्या होता है कि बिल्डर यहीं पर पैसा बचाता है, बट यहाँ पर दिल खोल के पैसा लगाया गया है। बड़ी खिड़की है, यहाँ देखिए, देखिए बड़ी खिड़की है। बड़ी खिड़की होने के साथ साथ लंबी खिड़की है ऊपर तक का, देखिए दो ऊपर यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के तौर पर यहाँ पर झांप दी गई है, या यूँ कह लीजिए थोड़े से आपके रोशनदान दिए गए हैं, और नीचे आपकी खिड़की गई। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें हम बात करेंगे तो इसमें आपका दो बेडरूम है, एक आपका सिटिंग रूम कम आपका लॉबी एरिया है, साथ ही में आपके इसमें दो वॉशरूम हैं, जो कि एक आपका अटैच है और एक आपका पाउडर या कॉमन है। फ्रंट में आपका है इसमें आपका सिटिंग एरिया, या यूँ कह लीजिए आपका यहाँ पर मेहमानों के लिए जो रूम बनता है, गेस्ट रूम। ये आपका मॉड्यूलर किचन। और हम चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं इधर पे ये आपकी कार पार्किंग है। बाहर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में भी पूरा अच्छा और प्यारा स्टोन वर्क करके दिया गया है। देखिए कितनी प्यारी सीढ़ियाँ बना के दी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए चलते चलते मज़ा आ रहा है चलने में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिल्डर ने यहाँ पर आपको पीवीसी का वर्क करके दे रखा है। यहाँ पर इसमें एग्जॉस्ट दिया हुआ है आपका किचन के लिए, यहीं पर आपका एक और एग्जॉस्ट है आपका एयर वेंटिलेशन के लिए, और इसी के पास में यहाँ पर दिया हुआ है आपको लाइट का होल्डर। साथ ही में हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा लाइट एंटर के लिए यहाँ पर ओपन एरिया दिया हुआ है, ताकि इसमें लाइट की जो एंट्रेंस है पूरी पूरी आती रहे। साथ में बाहर का देखिए नज़ारा कितना प्यारा है, बाहर की पूरी विजिबिलिटी भी हमको दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं सामने की तरफ, तो सामने भी आप देखेंगे तो जो दरवाजे की डिज़ाइनिंग है बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, और ये देखिए बाहर ही बाहर से इसमें पूरा ऑप्शन दिया गया है, ताकि लाइटनिंग में एंटर पूरी प्रॉपर रहे। तो क्या है अंदर खास देखें तो ज़रा भाई, यहाँ तो बड़ी प्यारी फीलिंग आ रही है। मतलब फ्लोर देखिए ना, इतना बड़ा फ्लोर है इसका, मतलब जो टाइलिंग वर्क करा गया है इतना प्यारा है, इतना बड़ा है कि देखिए मज़ा आ जा रहा है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ भी आपके लिए एक मॉडल किचन रेडी रखा है। मतलब नीचे चाहे तो एक फैमिली नीचे रह सकती है, और ऊपर चाहे तो एक फैमिली ऊपर रह सकती है, या यूँ कहूँ तो नीचे मालिक और ऊपर किराएदार के तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है,
बड़ी प्यारी इसमें चिमनी दी गई है एलिका कंपनी की, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर मॉड्यूलर किचन दिया गया है। मॉड्यूलर किचन के साथ साथ ही इसमें हर एक चीज़, मतलब जो भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी नीड पूरी होती हो, वो सब दी गई है। और ये देखिए ऊपर तो वाह भाई वाह, मतलब हैंगिंग लाइट दे रखी है यार। हाँ यहाँ पंखा दिया गया है और अगल बगल में लाइटिंग का भी ऑप्शन छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ देखो ना, पीवीसी की जो फॉल सीलिंग करके दी गई है वो भी इतनी प्यारी है। प्यारी होने के साथ साथ ही मतलब ना पूरा का पूरा जो मतलब कहते हैं ना, मतलब लेंटल एरिया जो पूरा कवर्ड करा गया है। देखिए वहाँ सामने कवर्ड कर रखा है, इस कोने में कवर्ड कर रखा है, यहाँ पूरा कवर्ड करने के बाद, पूरा मतलब सब कुछ कवर्ड करने के बाद, अब यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका जो गेस्ट रूम है या ये जो बेडरूम है ये भी पूरा कवर्ड कर रखा है। और टाइलिंग का साइज़ देखिए ना, टाइलिंग का साइज़ देखिए, टाइलिंग का साइज़ कितना प्यारा है यार, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक चौड़ी टौड़ी टाइलें। और इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए क्या डिज़ाइन है, मतलब अभी तो ये विदाउट लाइट में सामने आ रहा है आपके, जब लाइट उसमें पूरी खुल के आएगी ना, लाइट जब पड़ेगी तो और ज़्यादा खिल जाएगा। मतलब ये देखिए क्या टेक्सचर यूज़ करा है इन्होंने यार, मतलब फॉल सीलिंग से लेकर आपका फ्रंट तक का पूरा मतलब इंटीरियर को पूरा डेकोरेट करके दिया हुआ है। ये देखिए, अच्छा अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो आप बाहर देखिए क्या प्यारी बालकनी दी हुई है इधर पे, ये बालकनी का एरिया है, ये आपका अंदर इंटीरियर का एरिया। बालकनी भी आपकी पूरी ग्लास की, इसमें स्टील की इसमें रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग इसमें स्टील की है, नीचे आपका ग्लास है, ये पोर्शन पूरा ग्लास का है आपका, ये ग्लास का इस पूरा काम करके दिया हुआ है। तो मतलब बालकनी भी इतनी चौड़ी है, इतनी प्यारी है, बाहर आपको ये ऑप्शन भी दिया है यहाँ पर पॉइंट का, इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट दिया हुआ है, ताकि आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी वॉशिंग का कोई भी काम कर सकते हो। इसी के साथ में पानी की निकासी या पानी का एग्जिट यहाँ से दिया गया है। वाह यार मज़ा आ गया, मतलब वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा है ना, इसको पक्का लाइक भी करना, और अगर इसमें कोई कमियां हैं या फिर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बता मुझे बोलना ही, पक्का कमेंट पक्का करिएगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही है, फ्लोर की मतलब जो टाइलिंग है बड़ी है, बड़ी टाइलिंग है, और आपका EWC वाली सीट है यहाँ पर, वन पीस शीट इसे बोलते हैं, वन पीस शीट है यहाँ पर। ऊपर फॉल सीलिंग की लाइटिंग का वर्क करा गया है, शावर वर्क है, शावर है, नीचे आपको गर्म पानी और आपका ठंडा पानी दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है, सामने आपको कांच मिरर दिया गया है, टॉवल होल्डर, बहुत ही बारीकियों में काम करा गया है, बहुत ही बारीकियों में हर एक की जो नीड पूरी करनी होती है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरा किया है। चलिए अब चलते हैं इस बेडरूम की तरफ। डिज़ाइन आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दरवाजों का सब सेम ही है। ओके तो यहाँ भी वही है जो मैं सोच रहा था, यहाँ भी फ्लोरिंग बड़ी प्यारी करी गई है, क्या डिज़ाइनिंग दी गई है इसमें टाइल्स की। टाइल की डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही इसमें आपको जो खिड़की मिली है बड़ी और चौड़ी खिड़की है, जैसा कि जो डिज़ाइन नीचे था, जो साइज़ नीचे था खिड़की का, सेम वही यहाँ पर भी है। ऊपर दो आपको वेंटिलेशन के लिए दिए हुए हैं, या यूँ कहूँ तो इसमें रोशनदान इस पर कंबाइन कर दिए गए हैं। नीचे बड़ी बड़ी खिड़की दी गई है और साथ ही में दी गई है आपको यहाँ पर अलमीरा। तो अब देखते हैं इस अलमीरा में कितने ऑप्शंस हैं या फिर कितने इसमें कैबिनेट्स हैं। ओके तो अलमीरा हमने खोल लिया है, क्या साइज़ है यार, वाह मतलब मज़ा आ गया। देखिए ऊपर आपका हैंगिंग का ऑप्शन आ गया इसमें, और इतनी बड़ी इसमें अलमीरा गई है, एक पार्ट इसका ये रहा, और इसी के साथ में एक पार्ट इसका ये रहा, और इसका नीचे ग्राउंड फ्लोर में इसका पार्ट ये रहा, और इसी के साथ ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके ऊपर ना एक पोर्शन और है, देखिए टॉप का एक पोर्शन और है, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाऊँगा इसलिए वो उसको खोलता भी नहीं हूँ, खाली मैं गिर जाऊँगा। तो ये तो हो गया आपका अलमीरा का ऑप्शन, ठीक। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का भी बड़ा अच्छा काम करके दिया गया है, वही सेम ऑप्शन है, एक लाइट यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, और चौथी यहाँ पर है, चार लाइटों का कॉम्बिनेशन है। पीवीसी की पूरी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के साथ में यहाँ पर आपको डंडाले दिए गए हैं आपके कर्टेन के लिए, मतलब सारी फिटिंग पूरी रेडी है, आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, अपना छोटा मोटा सामान लाना है और यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। तो एक बेडरूम तो ये रहा, प्लस इसका सिटिंग एरिया ये रहा, सिटिंग एरिया के साथ में एक रूम आपका ये रहा, और यहाँ पर है आपका मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन के बाद हम बात करते हैं आपका एक और बेडरूम की तरफ। तो वो बेडरूम है आपका ये, सेम साइज़ है रूम का साइज़, और इनका रूम का साइज़ और कितने रूम, कितने बाय कितने के रूम हैं, कितने बाय कितने के किचन है, और कितने बाय कितने के आपके बाथरूम हैं,
ये सब कुछ मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिलहाल अभी आप इसको वीडियो को देखिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो पक्का इसको लाइक भी करिएगा। कई बार लोग खाली देखते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, बट ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा, और होगा या बनता तो इसको शेयर भी करिएगा। क्या रखा है शेयर करने में, कोई देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, क्या पता वो अपना मकान ले ले, किसी के नीचे किसी के सर पर छत जुड़ जाएगी साहब। तो पीवीसी का काम यहाँ पर बड़ा प्यारा किया गया है, पीवीसी का सारा काम है यहाँ पर, सेम वही कॉन्सेप्ट है, प्यारे प्यारे इसमें डंडाले दिए गए हैं और आपका बहुत बड़ा और लंबा इसमें डोर दिया गया है। रही बात आपकी वॉशरूम की, तो चलिए वॉशरूम में चलते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही थीम है। सामने एंटर करते ही आपके यहाँ पर मिरर है, मिरर के साथ में यहाँ पर आपका टॉवल होल्डर, वॉल बेसिन विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल बेसिन मिक्सचर, फर्स्ट फॉर द हॉट वाटर, द सेकेंड फॉर द कोल्ड वाटर एंड दिस वन इज फॉर द मिक्सचर। सेम शीट थी, इसे हम बोलते हैं उड़ीसा पेन, बट यहाँ पर आपको दिया गया है वन पीस शीट। इस वन पीस शीट का फ़ायदा ये है कि टोटली इंग्लिश है और वो इंडियन थी। तो ये आपका मिक्सचर आ गया, ये आपका शावर आ गया, वो आपका होल्डर आ गया क्लोथ होल्डर, और यहाँ पर आपका बहुत सारे ऐसे ऐसे फिनिशिंग वाले आइटम्स हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। देखिए यहाँ पर लाइट की कितनी प्यारी एंट्रेंस दी गई है, मतलब यहाँ पर लाइट और लाइट के साथ में आपका यहाँ पर वेंटिलेशन, यहाँ पर आपका गीज़र, और ये सब चीज़ें यहाँ पर पूरी मेंशन है। साइज़ देखिए कितना बड़ा है, मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि साइज़ बहुत बड़ा है। देखिए बाथरूम का जो साइज़ है ना, उस साइज़ से ही मैटर करता है कि मकान के अंदर कितनी सारी चीज़ें अच्छे से बनाई गई हैं। कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है, यहाँ पर आपका टाइलिंग वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि जो मिरर है वो भी डिज़ाइन में दिया गया है। देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा डिज़ाइनेबल, पूरा डिज़ाइन में है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। देख लिए मैंने, दो फ्लोर की बिल्डिंग है, इन दो फ्लोर में बिल्डिंग में आपके दो बेडरूम है, एक आपका गेस्ट रूम है, एक आपका सिटिंग रूम आपका लॉबी एरिया है, दो इसमें वॉशरूम है, एक आपका फुल किंग साइज वॉशरूम है जो कि अटैच है, और एक आपका इसमें पाउडर बाथरूम है। पाउडर बाथरूम के साथ में एक बेडरूम में आपको मिलेगी अलमीरा और एक मिलेगा आपको पूरा खुला। साथ में इसमें मिलेंगी आपको दो मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन में काफ़ी बड़े बड़े हैं और आपके एल शेप में है, एल शेप में मॉड्यूलर किचन है। देखिए कितने प्यारे हैं, और मान के चलिए कि इसका जो साइज़ होगा ना अप्रोक्सीमेटली, हालांकि मैंने अभी इसको नापा तो नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा मेजरमेंट करने का कोई ऑप्शन है, बट फिर भी अगर बताना चाहूँगा तो मोटा मोटा अगर 4x4 8 या 8x12 का तो इसमें किचन होना ही होना है। और दूसरी बात तो ये है ना कि ये जो किचन है आपका, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ओपनेबल है, तो यानी कि जो भी यहाँ पर कोई इंसान काम कर रहा है या जो भी यहाँ पर लेडी काम करेंगी या कोई मेंबर काम करेगा, इधर पर आपका डाइनिंग एरिया आराम से बन सकता है। डाइनिंग एरिया कम सिटिंग एरिया, यहाँ बनाइए, यहाँ खाइए, वहाँ खिलाइए, है ना। तो ये आपका फ्रंट का एरिया आ गया। देखिए ये फ्रंट एरिया भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, मतलब कोई इशू नहीं है। और इसी के साथ में ना सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो बिल्डर ने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हैं, सीढ़ियों की एंट्रेंस ऐसे आने के बाद इतना स्पेस पूरा खुला हुआ है। खुला होने के साथ साथ ही यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ से ये जाती है आपके टेरेस की तरफ। टेरेस में जाने से पहले बताना चाहूँगा कि उधर पर आपका यहाँ पर वेंटिलेशन ऑप्शन दिया हुआ है, और आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, इधर पे जो लाइट की जो एंट्रेंस है बहुत प्यारी एंट्रेंस है, साथ में इधर पे आपका जो पीवीसी का वर्क करा गया है बहुत ही प्यारा, मतलब हर एक बारीकी में यहाँ पर बिल्डर के द्वारा काम किया गया है, हर एक बारीकी में इसको छुपाया गया है कि हाँ अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, या यूँ कहूँ तो जो कवरिंग होती है ना, वो कवरिंग को बहुत प्यारे से दिखाया गया है, बहुत बहुत आराम से दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट आपको चाहिए वो यहाँ से मिलेगा आपको। ये स्पेस है आपका यहाँ पर, इसमें आप चाहो तो कुछ में कोई भी चीज़ अपना रख सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ भी ना आपको पॉइंट दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, हालांकि ये बहुत कम जगह मिलता है देखने के लिए। और ये हम एंटर करते हैं आपका अब टेरेस की तरफ। हो ये देखिए कितना खुला और साफ टेरेस है यहाँ पर यार, मतलब मज़ा आ गया। उधर देख रहे हैं आप सामने, उधर पर आपका पूरा का पूरा माउंटेन व्यू है, अगल बगल में हो रहा है कंस्ट्रक्शन। ये आपका मुमटे वाला एरिया है, ऊपर टैंक है आपका 500 लीटर का, और यहाँ देखिए छत में भी आपका कहीं ना कहीं ग्लास का वो करके मिलेगा आपको रेलिंग में, देख रहे हैं ना कितना प्यारा है। ये देखो कितनी प्यारी और कितनी चौड़ी रोड है, देख रहे हो, और ये सामने तक का जाता है पूरा, वो वहाँ तक का देख
तो ये पूरा खुला खुला एरिया है, और ये कॉलोनी है आपकी पूरी गेट बंद है, यानी कि वन वे एंट्री, इसमें वन वे एंट्री और वन वे एग्जिट। तो एज पर भी या सेफ्टी मेजर्स, तो कहीं ना कहीं कॉलोनी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर वन वे एंट्री है। और ये जो रही आपकी टेरेस, इस टेरेस में एक चीज़ और अच्छी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ना बिल्डर ने होल्डर दिए हैं, मतलब ये एंगल दिए हैं इधर पे। इसमें आप चाहो ना इसमें कोई भी काम कर सकते हो, मतलब यार इसमें ना जैसे मान के चलो कि अपना कोई भी कपड़े टांगने के, जैसे हाथ कोई मतलब टांगना होता है या कुछ करना होता है, तो इसमें ना आपको ऑप्शन मिल गया बड़ा प्यारा। तो ये दोनों तरफ दिए हैं, और तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों तरफ है, यहाँ पर यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो अब जिस किसी व्यूअर को इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी में, या अपने लिए मकान जोड़ना चाह रहे हो, वो भी हल्द्वानी सेंटर में, बिल्कुल शहर के अंदर, अभी हम हैं आपके कुसुमखेड़ा में आरटीओ ऑफिस पे। तो यहाँ पर अगर आपको अपने लिए कोई प्रॉपर्टी जोड़नी है ना, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी रही बात इस प्रॉपर्टी का रेट अगर आपको जानना है, तो स्क्रीन में आ रहे नंबर में आप पक्का कॉल करिएगा, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी रोज़ मिलती नहीं है, और ऐसी प्रॉपर्टी हर एक को, मतलब कहते ना कि मतलब प्रॉपर्टी आए और निकल गई, तो वो सिचुएशन ना हो जाए। बताना चाहूँगा कि रोड इसमें आपकी 20 फीट की है, लाइट की पूरी प्रॉपर एंट्रेंस यहाँ पर दी गई है। साथ में यहाँ पर आपका जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर में आपके दो बेडरूम है, एक आपका उसमें ड्राइंग रूम है, एक सिटिंग कम आपका लॉबी एरिया है, प्लस उसमें आपका मॉडर्न किचन है, एक आपका अटैच वॉशरूम है, और साथ में उसकी आपका एक पाउडर बाथरूम है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं सेम आपका ग्राउंड फ्लोर में भी है, जैसे ही हमने आपको शुरू में दिखाया था, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। ये देखिए हम यहाँ से बाहर को आ गए हैं, बाहर को हम आते हैं तो यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये रही आपकी कार की पार्किंग, ये आपका गेट के बाहर आपके 20 फीट की रोड, सामने से रोड पूरी बंद है, तो यानी कि आपकी सिंगल एंट्री है, सिंगल वे एंट्री है यहाँ पर आपकी। और ये रही वो प्रॉपर्टी, ये देखिए ये वो प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। क्या प्यारी रोड है यहाँ पर, देखिए ना कितनी प्यारी रोड है, और बड़ी प्यारी सोसाइटी है। और ये इसका फ्रंट का एलिवेशन है, ये देखिए इसका जो फ्रंट एलिवेशन का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा है। ये देखिए ये पूरी कांच का यहाँ पर लाइट की एंट्रेंस, ये ऊपर आपके टॉप फ्लोर की, ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की, ये आपकी प्रॉपर्टी का फ्रंट एलिवेशन। तो जिस किसी व्यूअर को ये पसंद आ रही है वो पक्का हमें बताइएगा। बाकी अगर रेट आपको जानना है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, रेट हम आपको बताएंगे ऑन कॉल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास डायरेक्ट है। हार्ड कालीगर प्रॉपर्टीज़ कभी भी ऐसी जगह काम नहीं करती है जहाँ पर मीडिएटर हो, आपके बहुत सारे इसमें बिचौलिए हों, तो ऐसे ही हम लोग काम करते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये रेट होगा, रेट हम जो हमें मिला है ओनर के एंड से, वो हम डायरेक्ट आपको बताएंगे ऑन कॉल। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ हार्ड काली।